40 साल की उम्र में इतना साइकिलिंग कर लेना, कहाँ लेके आ गया मुझे तो साइकिल चलाते। तो दोस्तों आप देखिए मम्मी को पता चल रहा है, अभी तक तो काफी मजा आ रहा था। अरे नहीं हम जा रहे अभी, अरे मैं खाना बना रखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ब्लॉग में। और दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम साइकिल से हैं, और दोस्तों आज हम सरप्राइजली जा रहे हैं गांव। हमने भी नहीं सोचा था दोस्तों गांव जाने का, हमने सोचा चलो थोड़ा घूम लेते हैं, टहल लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि करीब 12 किलोमीटर हमारे घर से दूर है नानी का घर, 4-5 किलोमीटर दोस्तों अभी हमने एरिया कवर कर लिया, जितना भी हमने चला है उतना भी और चलना है। तो देखते हैं दोस्तों पहुँच पाते हैं कि नहीं, पहुँच के दिखाएंगे। दोस्तों पहली बार मम्मी जा रही है इतनी दूर 12 किलोमीटर, मैंने तो चलाया है दोस्तों जब मैं पीथमपुर में रहता था। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं और मिलते हैं आपसे फिर घर में, और देखते हैं नानी का सरप्राइज़ क्या होता है, क्योंकि नानी को हमने नहीं बताया है कि हम ऐसे आ रहे हैं। और गाइस हमको लगा नहीं था कि हम इतना भी कवर कर पाएंगे, लेकिन जब हमने इतना कर लिया तो और हमारे अंदर उत्साह आ गया कि चलो अब इतना ही कर लिया है तो आधा और कर लेंगे आराम से। और ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ का गाँव, क्या ही खूबसूरत दोस्तों गाँव है। और दोस्तों साइकिलिंग करने का मज़ा ही अलग आ रहा है आज सुबह सुबह, करीब अभी 10 बज रहे हैं तो ज़्यादा धूप भी नहीं है। और इधर देखिए दोस्तों खेती खेत पूरा दोस्तों विलेज एरिया है। क्या हुआ, आराम से देखना, वो नहीं है कवर नहीं है चैन का। और ये देखिए गाइस पूरा नेचर का मज़ा लेते हुए, और ये रोड भी काफ़ी अच्छी है, इसी कारण हम सोच पाए कि हम चले जाएंगे। अगर रोड ख़राब होती तो दोस्तों शायद ही हम जा पाते। और ये देखिए पारंपरिक घर गाँव के खपड़े के बने हुए, और अब थोड़ी दूर अभी और ही बचा हुआ है, करीब अभी कम से कम 3-4 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। और मम्मी को देखिए दोस्तों थकने का नाम ही नहीं ले रही है आज, मेरी तो हालत टाइट हो गई लेकिन मम्मी का उत्साह देखकर ही दोस्तों मैं भी चलने जा रहा हूँ। ये देखिए तो यहाँ से ही हमारे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी जो है दी जाती है। 40 साल की उम्र में इतना साइकिलिंग कर लेना, मज़ा आ रहा है दोस्तों, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हमको लगा नहीं था इतना मज़ा आएगा, पर थकावट तो दोस्तों बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही है, एकदम दंदना के चल रही है साइकिल हमारी। तो हमारे दूध वाले जो हमको दूध देते हैं वो भी इसी रास्ते से जाते हैं रोज, घर पे ही दे देना है ना। आज बस लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, देखते हैं तुम्हारी कितनी मेहनत लगी, हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम तो आज ही जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे दूध वाले हैं वो रोज दोस्तों हमारे गाँव से बस थोड़ी सी दूर में 1-2 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो सोचिए दोस्तों कितनी मेहनत लगती होगी उनको, और हम तो अकेले जा रहे हैं, लेकिन वो दोस्तों दूध लेके जाते हैं करीब करीब 5-10 लीटर दूध। तो सोचिए गांव के लोग दोस्तों कितना हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए उनकी जो इम्यूनिटी रहती है काफ़ी मजबूत रहती है, हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। और दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे यहाँ की प्यारी सी नदी, ये देखिए गाइस। तो अभी पानी बरसात में लबालब भरा रहता है इसमें, पर अभी फिलहाल ये जो आपको दिख रही है हरी हरी अरहर की खेती है, तुअर की दाल है, अभी ये देखिए पकी नहीं है, कुछ दिनों बाद ही पक जाएगी। और ये जो आपको खाली खेत दिख रहे हैं इनमें चावलों की खेती करी है धान, और धान अभी कट चुका है, थोड़ा बहुत देखिए वहाँ लगा हुआ है हरा हरा। दूर दूर तक आपको आम के पेड़ ही दिखेंगे, हमारे गाँव में ज़्यादातर आम के ही पेड़ लगे हुए हैं, और गर्मी में काफ़ी मज़ा आता है। तो हम दोस्तों 9 बजे चले थे और अभी फ़िलहाल 9:31 हो चुके हैं, यानी आधा घंटा दोस्तों हमको लग चुका है, और अभी समझ लीजिए 1-2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर अभी और बचा होगा। कहाँ लेके आ गया मुझे तो साइकिल चलाते चलाते। तो दोस्तों आप देखिए मम्मी को पता चल रहा है, अभी तक तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, अब इधर वाली रोड में पता चल रहा है, लेकिन अब देखिए रोड थोड़ी खड्डेदार है तो अब पता चल रहा है। तो फाइनली दोस्तों पहुँच ही गए हैं गाँव, यहाँ से हमारा गाँव लग जाता है आगे मोड़ से। तो अभी थोड़ा एक मेरी स्कूल पड़ेगी जहाँ मैं बचपन में पढ़ता था, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, फिर आ जाएगा हमारा गाँव। हालत ख़राब हो गई दोस्तों। और गाइस ये जो आपको दिख रही है ये एक स्कूल है जहाँ मैं कभी पढ़ा करता था बचपन में, विनायक पब्लिक स्कूल नाम था इसका, अभी फ़िलहाल चलती है, पढ़ते हैं लोग, पर अभी क्या पता अभी तो बंद दिख रही है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं गांव, घर चलते हैं फटाफट, तो देखते हैं नानी का क्या होता है रिएक्शन। बहुत थकावट हो गई, थकावट बहुत हो गई, थोड़ा सा देखिए सेव ले लिया हमने खाने के लिए एनर्जी के लिए, तो चलिए फटाफट से चलते हैं। पूरी सब्जी, पूरी सब्जी साइकिल से आए, ऐसे
उसमें साइकिल दो साइकिल नहीं, हमने सोचा आधी दूर तक जाते हैं, आज जिम नहीं गए थे। अरे नहीं, हम जा रहे हैं अभी। अरे मैं खाना बना रखा है, घर का रंग पचे के को खाई चुकबे ना करी। साइकिल मतलब आधी दूर तक हमने सोचा इधर रोड में और खूब खाया तूने, फिर इसने बोला कि चल नहीं पाओगी तुम। मैंने बोला पटाखे उठा के फोड़े थे कल, चल के दिखाती हूँ तुझे आज। तो आ गई, पटाखे नहीं फोड़े, चल पहले सेव खा लेते हैं। हमें किसी से मतलब नहीं है ना, इंसान से ना भगवान से नहीं है। और हम ना किसी के लिए छोड़ते ना किसी के लिए पकड़ते, हमारी जो मर्जी आती है वो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हम। तो रानी कैसा लगा हमको देख के? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी आई। खुशी आई। तो कैसा है शक्ल? है अच्छा, शक्कर वाला है ना, गुड़ वाला अपना। और ये दोस्तों, ये कौन सी बनकर? नहीं, ये दोस्तों महाशैतान, बाल जला दिया मेरा, टकला कर दिया मुझे। तो देखिए गाइस, नानी ने यहाँ पर कितनी बढ़िया तरीके से सब कुछ लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पर लगी है हमारी धनिया, इधर देखिए बड़ी बड़ी धनिया हो गई है, कितनी मस्त यहाँ पर धनिया लगी हुई है। और इधर भी कुछ लगा हुआ है। और ये देखो गाइस, ये क्या लगा है? ये चने की भाजी है। और ये धनिया भाजी, और वो देखिए चने की भाजी लगाई है थोड़ी बहुत। तो एकदम मस्त खेती कर रही है नानी खाने पीने का अपने। और ये देखिए गेंदे के फूल कितने खूबसूरत पीले पीले। और ये कुछ तोड़ लिए गए हैं, ये तोड़ा किसने इतने सारे? बढ़िया, तुमने बगिया बना ली अपनी, जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो और अच्छे लगेंगे अभी तो। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब खाना पीना हमने सब खा लिया है और अब चलते हैं फटाफट से घर। ये भी देसी है? नहीं, बत्ती बहुत देसी है, बहुत दिन तक देसी के अलग है खुशबू आवा। देसी बहुत जल्दी चुका थी वे। हां, और देसी की खुशबू है बहुत। ये क्या है? ये धनिया ही ना है? धनिया, धनिया। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग यहीं तक। उम्मीद है ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप चलते हैं दोस्तों साइकिल से वापस हम मनगमा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।